तो मैं विठल भाई जी, पहले तो आपको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने मिस कॉल किया। तो मैं आपको अभी SMS से क्राइम फ्री भारत ऐप की लिंक भेज रहा हूँ, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए। मैं आपसे ये भी प्रार्थना करता हूँ कि आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर जाकर उसको चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें और 2 दिन तक उसके वीडियो देखिए, राइट। फिर तीसरे दिन मुझसे बात करिए। मैं आपको बता रहा हूं कि अब भारत में महापरिवर्तन हो जाएगा। ये सभी राजनीतिक पार्टियों के ऐसे राजनेता जो दो दो तीन तीन चार चार बार से चुने जा रहे हैं, और वो लोग जो है मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। ये इतने दुष्ट राजनेता हैं, इन्होंने हमें अपना वोट बैंक मान लिया है। जहां ये जाएंगे हम इनको पीछे जाके वोट देंगे। आप बताइए, 23 जून को जो दुष्ट राजनेता पटना में इकट्ठा हुए, वो ये क्यों मान रहे हैं कि हम जो है ना भेड़ हैं, जो जहां वो जाएंगे हम उनके पीछे चलेंगे? क्यों चलेंगे? उन्होंने क्या किया इस देश के लिए? तो अब ये महापरिवर्तन विठल भाई जी होगा। विठल भाई जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम दमोह जिले के पास सिंहपुर गांव है। तो आप जो है इसका मनन करिए, और 2 दिन बाद हम आपको आपकी ऊर्जा के हिसाब से कुछ जिम्मेवारी भी सौंपेंगे, क्योंकि इस महायज्ञ में हम सभी को अपनी अपनी जिम्मेवारियां निभाना होंगी। अब इसी के साथ इस वार्तालाप को विराम दिया जाए। हाँ। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।